फास्ट स्किपिंग करा था और मेरे पैर लिटरली जलने लगे। वेरी गुड मॉर्निंग, टुडे इज़ द डे वन ऑफ डेली व्लॉगिंग। सो अभी जस्ट उठाओ एंड अभी मैं प्लांट्स में थोड़ा पानी डाल रहा हूँ। सो एवरी डे का इट्स माई ड्यूटी। एज यू कैन सी इतने सारे अच्छे, इतने सारे छोटे छोटे फ्लावर्स ग्रो हुए हैं, यहाँ पे भी है। एंड ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ये वाला प्लांट, बट इसमें भी फ्लावर है। तो कल येस्टरडे नाइट मैंने एक वीडियो एडिट किया था, तो वो आज अपलोड होने वाला है 6 बजे थर्सडे 28th में। तो आई गेस ये वीडियो नेक्स्ट डे आने वाला है, ये मेरा ब्लॉग नेक्स्ट डे आने वाला है, बट ये वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो ये जो डेली व्लॉग्स होने वाले हैं वो खाली 5 दिन के लिए होने वाले हैं, 5 डेज कंटिन्यूसली व्लॉग्स आने वाले हैं। इसलिए मैंने लिखा हुआ है day 1, day 2, day 3, day 4 एंड day 5। जैसे मेरा day 1 कम्प्लीट होगा आई एम गोना क्रॉस दिस। सो ये है मेरा प्लान, 5 दिनों का डेली व्लॉग्स। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि हम 5-6 दिन कंटिन्यूसली व्लॉग्स बनाएं। चाय पीने का बहुत बड़ा मन कर रहा है। तो हमारी चाय बन चुकी है। सच बोलूँ तो मुझे चाय बहुत पसंद है, बट काफ़ी दिनों से मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था, बट आई थिंक मेरा इंटरेस्ट अब चाय में से अभी सीधा ब्लैक कॉफ़ी में जा रहा है। आई नो काफ़ी सारे चाय लवर्स देख रहे हो एंड यू डोंट लाइक ब्लैक कॉफ़ी, बट मुझे ब्लैक कॉफ़ी बहुत अभी लाइक एडिक्टेड हो गया। लाइक मॉर्निंग को या तो एक्सरसाइज से पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, सो आई थिंक आई लव ब्लैक कॉफ़ी। बट आज पता नहीं चाय पीने का क्यों मन हो गया, तो आज हम अदरक वाला चाय बनाए। सो आज मैं टेरेस में आया हूँ, बट मैं आज मैं वॉकिंग करने वाला हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले मैं यहाँ पे स्किपिंग्स करने के लिए आया था और मुझे फास्ट स्किपिंग करने की बहुत आदत है, तो मैं फास्ट स्किपिंग करा था और मेरे पैर लिटरली जलने लगे। आपने उसेन बोल्ट को देखा होगा भागते वक्त, जब उसने भागा था तब उसके जूते एकदम जल गए थे, ये वीडियो देखो उसका। तो वैसे ही वो स्पीड में मैं स्किपिंग्स कर रहा था, इतना फास्ट कर रहा था, इतना फास्ट मेरा पैर लिटरली जल रहा था और लिटरली मेरा पैर आधा छिल गया। इसके लिए मैं स्किपिंग्स नहीं कर सकता हूँ, 2-3 दिन का टाइम चाहिए मुझे हील होने के लिए। तो आज के लिए बस मैं वॉकिंग ही करने वाला हूँ थोड़ा बहुत टेरेस में। एंड आज बादल बहुत अच्छा है यार, आज तो मस्त बढ़िया वाला टाइम लैप्स मिलेगा आप लोग को। टाइम लैप्स देखोगे इन 3, 2, 1। तो जब मैं बॉर्न हुआ भी नहीं था ना, तब लाइक मैं मॉम डैड ने मेरे को एक बार बोला था कि यहाँ पे एकदम दूर तक यहाँ से समुंदर दिख रहा था, पूरा अपना जू चंदन का बीच जो है वो पूरा दिखता था। अभी तो इतने सारे बिल्डिंग्स हो चुके हैं, तभी तो इतने सारे बिल्डिंग्स थे भी नहीं। मैंने मेरा बचपन का एक फ़ोटो देखा था, अभी इतने बिल्डिंग्स थे भी नहीं, बट हार्डली यहाँ से कुछ माउंटेंस दिखाई देते हैं वहाँ पर। एंड आई गेस वो गोरेगांव एरिया है, बट अभी तो देखो इतने सारे लाइक बिल्डिंग ही बिल्डिंग आ गए। क्या मस्त हवा आ रही है टेरेस में, एकदम लाइक एकदम ठंडी हवा आ रही है, मज़ा आ गया मेरे को तो। और यहाँ पे तो लोग टेरेस पे वो दिख सकते हो, वहाँ पे एक बच्चा है जो क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा है। सो अभी मेरे डैड ऊपर टेरेस पे आया और मुझे सरप्राइज़ दिया, आज मेरे से हम लोग वॉकिंग करेंगे टेरेस पे और थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। एंड आज मेरे डैड का बर्थडे है 20th में, सो गो एंड विश हिम ऑन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट बच्चा।
अभी 6 बजे मैंने मेरा वीडियो एक लॉन्च हुआ है जिसमें मैंने एक एनजीओ है कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन के मैडम है नीता अमोरे जो काफ़ी सालों से कैंसर के साथ में रिलेटेड है तो उनके साथ में मेरा एक करीब 1.5 घंटे का एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि कैंसर पेशेंट्स के कैंसर के प्रिवेंट के लिए अवेयरनेस के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तो काफ़ी कुछ डिटेल में बताया हुआ है। साथ में हम लोगों ने दोनों ने मिलकर जो जो कैंसर के लिए प्रोजेक्ट जो किए हैं वो भी हम लोगों ने शेयर किए हैं। तो रिक्वेस्ट आप ज्वाइन कीजिए और देखिए और अपने दोस्तों के सबके साथ में उसको शेयर कीजिए। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर राइट कोई भी चीज़ के लिए। एंड ये वीडियो को 3 घंटे लगे 3 से ज़्यादा घंटे लगे और इतनी मेहनत लगी एडिट करने में तो प्लीज़ जाके देखो आपको वो जो टॉपिक जो उन्होंने अभी बताया उसके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो आप उसके बारे में अवेयर भी नहीं थे तो आप प्लीज़ जाके देखो। एंड यप अभी मेरे डैड भी अभी मेरे वीडियोज़ में आने लग गए। माई डैड लव शू बी इन माई YouTube वीडियो। हम लोग लाइक मस्ती करते हैं टाइम पास करते हैं बातचीत करते हैं बहुत कुछ। एंड आई रियली अप्रिशिएट आप सब लोग वीडियो देखिए क्योंकि जिस तरह से उसने एडिटिंग किया हुआ है जो मैंने सोचा था इससे भी अच्छी तरह उसने एडिट करके लिया हुआ था। रियली प्राउड कि मेरा लड़का इतना सब सीख के खुद सीख के पूरा सब इतना करा इज सो क्रिएटिव प्राउड ऑफ यू बच्चा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ आज का पहला दिन खत्म होता है। अभी कल बनाएंगे और अभी तो एडिट करना है तो एडिट करने के बाद हम अपलोड कर देंगे। सो हैज ऑलवेज होप यू गाइज आर स्माइलिंग एंड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। धूप तो है यहाँ पे बट इतनी अच्छी हवा आ रही है ना ठंडी हवा मतलब ऐसा लगता है कि रात को ऐसे मस्त ऊपर टेरेस पे एकदम चद्दर विद्दर लगा के मस्त आसमान के सामने देख के सो जाओ। वो ऐड करूँ नहीं वो ऐड नहीं करता।